मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो अभी मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ पाखी के लिए, और ये यहाँ पे बादाम हैं जो रात भिगोए हुए थे, इसको दूंगी दूध के साथ। तो जी गुनगुना सा हो जाएगा, तो मैं इसको उतार लेती हूँ। शक्कर का दूध पिएगी वो, मुझे डालनी है इसमें शक्कर अभी। तो जी भी ये बादाम भिगो करके रखे हुए थे, उनको छील के कुछ पाखी को दूध के साथ दूंगी। और फिर अभी ये तो यहाँ पे है नहीं, जब ये आ जाएंगे तो इनको भी मतलब वही है कि 4-5 बादाम तो दोनों को रोज़ के खाने हैं। एक आध मैं भी ले लेती हूँ, मुझे अपनी ग्रीन टी मंगवानी है तो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी शुरू करनी है। तो इनको भी दूध वगैरह दूंगी। पाखी ने भी जो है अभी पूजा पाठ कर ली है, और बस पूजा वूजा करने के बाद में दूध और बादाम ले लेगी और फिर उसको नाश्ता दे दूँगी। तो ये कल पौधे लेकर के आए थे। हाँ जी छोटू, नाई नाई कर लो। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी भी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने भी चाय पी है। सुबह भी नहीं हो रही है, 9:30 बज रहे हैं और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे पता नहीं ये क्या तो दिक्कत है और क्या नहीं है। मेरे ना जैसे ये उंगली के जोड़ है, कोहनी का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, मतलब ऐसा कोई जोड़ नहीं है जिसमें मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और उंगलियों में तो मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है, इनमें तो मेरे तो घुटनों में तो ना मेरे और भी ज़्यादा हो गया है। अब हो जाए घुटनों में ना, इनमें तो मेरे और भी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था, पर अभी आज वो सुबह सुबह ही बहुत ज़रूरी काम से निकल गए हैं मुजफ्फरनगर के लिए। तो वो आ जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे घुटनों में बहुत नहीं चला जा रहा बिल्कुल भी। और आज लेट भी इसी वजह से हो गया। अभी पाखी और अनाया दोनों नहा रही, मैंने कहा बेटा पूजा कर लो नहा के, फिर मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँगी। तो हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही मेरी दर्द की वजह से ना, पैरों के दर्द की वजह से, कि मैं उठ के कुछ भी कर लूँ। कल मेरा कोई वीडियो भी नहीं गया और अभी मैं सुबह सुबह ही वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल इसलिए नहीं गया क्योंकि कल मैं गई थी भाभी के यहाँ पे मौसी जी को देखने के लिए, और बस कल वहाँ से आके फिर तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ हाथों पैरों में, बहुत तेज़ वाला, और कमर से बैठा भी नहीं जा रहा। और मुझे डॉक्टर को ना दिखा के आना पड़ेगा, और मैं इंग्लिश दवाइयाँ भी नहीं खा सकती, मुझे वो दवाइयाँ बहुत वो करती हैं। तो देखती हूँ अभी क्या कैसे होगा। अब आ जाएंगे, मैंने फ़ोन कर तो दिया, मैंने कहा जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अभी कमर फटी जा रही दर्द की वजह से। और बस तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, घर के काम तो देखो करने ही पड़ते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने बेडरूम में मंदिर क्यों रखा है। देखो एक तो दूसरी बात, मेरे घर में मंदिर की और कोई जगह नहीं है, और मंदिर को मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं खिसका सकती हूँ, ठीक है। मंदिर का यही कॉर्नर है, मंदिर की यही जगह है मेरे मतलब इस पूरे घर में, मंदिर मेरा यहीं पे फिट है। और दूसरी बात बेडरूम की, तो इसमें बेड पड़ा हुआ है, बेडरूम हमारा दूसरा ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बच्चों का रूम ही रहेगा, मंदिर तो यहीं पे रहेगा, मंदिर नहीं यहाँ से हट सकता और बेड भी यहाँ से नहीं हट सकते हैं क्योंकि घर में कोई और जगह नहीं है। धीरे धीरे काम कर रही हूँ और देखते हैं, मैं शाम को हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। चलोगे फिर शाम को हॉस्पिटल? तो चलोगे शाम को? तो जी शाम को हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है।
क्योंकि हमारी देवरानी जो है वो आज एडमिट हो गई है हॉस्पिटल में, तो देखो जैसे भी होगा। नहीं, अलग अलग बेडों का ना, देखो अब पहले मेरे दो काम ही कर दो, बाकी अपना दूसरा दूसरा कूड़ा एक तो कूड़ा थोड़े दिन से सब गिर गया। अरे भाई किचन ज़्यादा नहीं है यहाँ से, गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है भबके में पन्नी फट जाएगी गर्मी से। मैं हाँ आज वो है ना, तो आज के दिन वो नहीं आते, देखो यहाँ आया भी नहीं जा रहा, तो मैंने पुदीना सुखाया इसे वो करके रखूंगी ना, तो जो मेरी हमारी जो बुआ जी की लड़की की वाइफ है छोटे वाले, एक को तो आप जानते भी हो, नहीं आपको उनका चैनल भी था, तो अभी तो वो वीडियो नहीं बनाते हैं, तो छोटे वाली जो है वो आज एडमिट हुई है, और कभी भी किसी भी टाइम जो है वो हमें खुशखबरी मिल सकती है, तो देखते हैं शाम तक जैसे भी होगा वैसे ही फिर जाएंगे। अभी मैं बर्तन साफ़ करूंगी और किचन कपड़े मेरे धुल गए हैं, बस एक बार के रह गए, फिर उनको धूप में डाल दूंगी। पन्नी बड़े वाला ले लेते वाइपर, बैठा लो ना भाई घोड़े पे बैठा लो ना। बाकी एक चीज है देखो, जिसका के पास में एक रूम होता है वो भी मंदिर रखते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, वो थोड़ी सी सावधानियां बरतो तो ठीक है। मुझे बस अपने मंदिर में ना कर्टेंस लगाने हैं, बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कर्टेंस लगाने हैं मंदिर में, तो बस अभी जो है वो पोछा लगा दिया है मैंने, और ये पोछा मेरे पास में कितने ही टाइम का आया हुआ रखा है, मैंने ये वाला इस्तेमाल ही नहीं किया, बट आज मेरे घुटनों में दर्द हुआ तो फिर मैंने आज ये निकाल लिया, क्योंकि जो मेरे पास पहले वाला था वो तो मैंने गांव में भिजवा दिया था, और ये भी मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा था पर मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पर आज मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो इसी से लगा लूँ, क्योंकि वो पोछा लगाना तो ज़रूरी है। और अभी जा रहे हैं हम, ये क्लिप है मेरी, नर्सरी जा रहे हैं, तो नर्सरी से जो है वो पौधे ले गई, थोड़ी सी क्लिप शायद आगे पीछे हो गई, मौसम आज का ठीक ठाक हो रखा था, तो यहाँ पे नर्सरी में मन तो बाहर रखने का, तो रहने तो ना चलने का, बाहर के नहीं तो गड्ढे अंदर भी चल जाए, ऐसी छिए बस अंदर ना छोड़ दो। हाँ एसी चल रहा होगा, एसी नहीं चल रहा,
तो जी अभी आज ना मुझे जाना तो था हमें मेरठ, बेटा थोड़ी सी आवाज़ कम कर दी, पर फिर मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ना हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि हाँ कल परसों में देख रही हूँ। कोई बात नहीं, और मतलब अभी देखते हैं या तो कल वगैरह में, क्योंकि अभी जो है वो बताया हुआ इसके बाद थोड़ी सी कि हाँ मतलब उनके अभी एडमिट हो गई है वो हॉस्पिटल में, और देखेंगे अब कल जाएंगे या फिर कैसे होगा या फिर घर पर ही जाएंगे। अभी देखेंगे, चले जाएंगे बुआ जी के घर पे, वो आएंगे मिलाएंगे सबसे और जैसे भी होगा। अभी हमें इतना ही पता चला था कि वो एडमिट तो हो गई है, भैया भी आ गए हैं वहाँ पे, क्योंकि भैया भी जॉब करते हैं ना, तो वो भी आ गए हैं। अब देखेंगे जिस दिन भी अब टाइम लगेगा उसी दिन जाएंगे, और या तो घर पे हो आएंगे क्योंकि हॉस्पिटल से तो उनको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था आज, मैं आज डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाई क्योंकि मुजफ्फरनगर चले गए थे, वहाँ से फिर ये लेट आए तो फिर मैं नहीं जा पाई डॉक्टर के पास भी। अब तो ये है कि मंडे से इनका कोर्स शुरू हो जाएगा और वो मिलते हैं ट्यूसडे और संडे को, तो देखूँगी ट्यूसडे मैं दिखा के आऊँगी डॉक्टर को, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है हाथों में। अभी तो मैंने मेडिसिन ले ली है और बाकी बस क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने वॉल पेपर भी लगा दिया है, इतना कम वॉल पेपर हो गया है ख़त्म, तो मुझे अभी दो रोल और मंगवाने पड़ेंगे वॉल पेपर के, तब जा कर के जो है वो काम चलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है वो गुड वाला, इसका वीडियो कल मिलेगा। बहुत अच्छे से लग गया है सारा, ये देखो यहाँ तक लगा है, बस इतना और लगना है, और बाकी एक उधर भी देखूँगी लगाऊँगी और बेड के पीछे इतना लगना है। अच्छा लग गया, मतलब सफाई से लग गया है बिल्कुल। तो चलो अभी इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, मतलब ऐसा मन कर रहा था कि बस पता नहीं दिमाग चल जाएगा, इतनी ज़्यादा आज मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी लगी है जब से गर्मियाँ शुरू हुई है। तो जी चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।